नमस्कार फ्रेंड्स। ये वाला जो वीडियो है ये बेसिकली इस तरीके के है कि एपिलेटर्स को कैसे खोलने के जा इस तरीके के एपिलेटर को कैसे खोलते हैं। ज़्यादा कुछ होता नहीं। आप देखिए इसके जो हेड हेड वाला पोर्शन है वहाँ पे ये ऐसा रहता है। आप छोटा सा स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, उसको हल्का सा ऐसा कीजिए खुल जाएगा। फिर आपको इसको खोल लेना है। खोल के फिर इसमें बहुत सारा एक्चुअली मैंने इसको भी अभी अभी साफ़ किया था, ये चलना बंद हो गया था। इसको खोल के मैंने साफ़ किया था, ये सारा गंदगी इसके अंदर से निकला है। और जो इस तरीके की बैटरीज थी ये बैटरी बहुत ही कम पावर देती हैं। और अब मैंने ड्यूरासेल लगाया है और ये बैटरी भी कम, तो ये अल्कलाइन बैटरी, ये वाली अल्कलाइन बैटरी है और ये ज़्यादा देती हैं। जो जिंक कैड जिंक वाली होती हैं दूसरी वाली होती हैं वो उतना पावर नहीं देती हैं। ये वाला बैटरी अच्छा पावर दे रहा है फ़िलहाल, आप देख सकते हैं। ये इसका मैकेनिज़्म है, जबकि अगर मैं आपको बैटरी चेंज करके दिखाता हूँ, सॉरी, तो देखिए ये बैटरी चेंज किया और ये इसको पावर दे ही नहीं पा रहा है। देख रहे हैं ये वाला बैटरी है और ये वीक भी हो चुका है, ये भी हो सकता है कि वीक हो चुका है। और ये दूसरा बैटरी है जो ज़रा सा पावर दे रहा था, अभी ठीक दे रहा है। तो यही इसका मैकेनिज़्म है मेनली। और इस तरीके की चीज़ों में एक ही प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बहुत सालों से अगर कभी क्लीनिंग नहीं हुआ रखा है तो प्रॉब्लम होती है। आप जस्ट इसको क्लीन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और पॉइंट ऑफ अगर ये ना चल रहा हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? एक तो ये क्लीन क्लीन होना ज़रूरी है, दूसरा ये कई कई बार ना कई कभी इनमें जंग लग जाता है। अगर आपने पानी वगैरह लगा दिया हो तो उसको बस हल्का सा स्क्रू ड्राइवर से आप उसको स्क्रेप ऑफ कर दीजिए, वो जंग जो हट जाएगा तो फिर वो ठीक हो जाता है। या फिर आपके पास अगर कोई चाकू है तो उससे भी आप इसको चाकू स्क्रेप ऑफ कर सकते हैं, पर अपना सेफ्टी का ख्याल रखिएगा। बस यही, जब ये हो जाए उसके बाद आप अपना बैटरी लगाएं और इसको लगाने के बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिए, ये स्नगली फिट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पोर्शन जो बैटरी को बंद करने के लिए होता है, इस वाले सेगमेंट को आपने बंद कर देना और काम करते रहिए। तो यही मैकेनिज्म है। थैंक्स, आई होप ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और थैंक्स, बाय बाय।